बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये वेव शॉर्ट में बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक छोटा सा यूनिट है आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने देखने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है बाद में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने बेसिकली क्या किया था कि एक कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर के ऊपर उसने अप्लाई कर लिया है क्या, एक बैटरी कनेक्ट करी इसके साथ, ओके। और फिर इसको एलैबोरेट करने के लिए उसने क्या कर लिया, एम्पियर सर्क्यूट लॉ अप्लाई कर लिया। तो उसने लिया एक टिफिन बॉक्स जैसा एक सेटअप, ओके। एक क्लोज लूप मान लो, इसमें करंट जो है वो जा रही है, आई तो हमने पढ़ा है क्या, फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूलर लॉ। एम्पियर सर्क्यूलर लॉ कुछ नहीं किया उसने, एम्पियर सर्क्यूलर लॉ अप्लाई कर लिया है कैपेसिटर के अंदर, ओके। एम्पियर सर्क्यूलर लॉ क्या कहती है कि बी डॉट डी एल ओवर क्लोज लूप जो है दैट इज म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। तो मतलब किसी भी जगह पे अगर आपने इसके वायर में करंट जा रहा है आई, तो अगर आपने फाइंड करना है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ओके। जब उसने अप्लाई यहाँ पे किया तो उसने देख लिया कि हाँ भाई ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट व्हेन ही अप्लाइड द सेम हेयर, सिंस यहाँ पे तो कोई वायर है ही नहीं, तो एज पर दिस इक्वेशन म्यू नॉट इंटू आई का वैल्यू, यहाँ पे तो करंट है नहीं, जीरो होना चाहिए। तो अगर ये जीरो है तो मतलब क्या है कि इफ आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी डॉट डी एल इंटेग्रल जो है जीरो है। तो इंटेग्रल जीरो होगा, मगर अभी ये लेंथ ऑफ दिस लूप जो है नॉन जीरो है, तो इसका एक मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए यहाँ पे। बट रियलिटी में जब चेक किया इसने, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसने क्या कहा कि इसने कहा कि बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे वायर नहीं है, जहाँ पे फ्री स्पेस है उस फ्री स्पेस में भी एग्जिस्ट करता है एक इलेक्ट्रिक, एक करंट जैसी क्वांटिटी, जिसको इसने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ये वो करंट है जो आता है, जो किसी भी रीजन में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन यहां से आ गई हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये होता क्या है, ये है दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन स्पेसेस वर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर चेंजिंग विद टाइम, आर चेंजिंग विद टाइम। जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उन जगहों पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा करंट जैसी एंटिटी आती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। मान लो ये जो हमने कैपेसिटर कंसिडर कर लिया है, इनके ऊपर चार्ज क्यू जो है ये है चार्ज, ओके। ए जो है ये है एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये आपने ऑलरेडी ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, ओके। तो सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी ऑन दिस, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू प्लेट्स किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, बिटवीन द टू प्लेट्स इसके बराबर है, ऑलराइट। अब आपने ये इक्वेशन में सिग्मा का वैल्यू डालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास आ गया क्यू अपॉन ए इनटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द वैल्यू ऑफ किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नाउ अगर आप देखोगे इस रीजन में, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो अगर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो इस रीजन के थ्रू पास हो रहा है किसके बराबर है, E into A into cos of zero because angle between area and electric field is zero, ये के बराबर आ गया। तो हमारे पास E का वैल्यू डालेंगे तो phi E आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है that is equal to Q upon A into epsilon naught into A, this and this goes, so electric flux in the region is Q upon epsilon naught, or we can write Q is equal to phi E into epsilon naught. This is the amount of charge that is present on the plates, all right. Now we know
वी नो करंट किसके बराबर होता है, डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डी अपॉन डी टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड फाई। एप्सिलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकालेंगे, दिस इज डी फाई अपॉन डी टी। सिंस दिस इज द चार्ज या फ्लक्स इन बिटवीन द प्लेट्स व्हेयर देयर इज ओनली फ्री स्पेस, नो कंडक्टिंग वायर, so we call this as displacement current. So this displacement current is equal to epsilon naught e phi upon dt. Then he modified the Ampere's circuit law, which is nowadays called as Ampere's Maxwell's law. Okay, Ampere Maxwell equation, and this equation changed into this form. कि आप भाई अब ये नहीं करो, अब आप अगर इसमें modify करोगे तो हमारे पास b dot bl जो है, it is mu times of course current. But with a displacement current that's existing inside the space between the two plates of a capacitor. Easy? तो अगर आप इस equation को थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे, it is mu naught into I plus mu naught into ID, but the ID value is equal to this, so you can write mu naught I plus mu naught epsilon naught d phi e upon dt. That is the value of b dot dl. This becomes what is called as Maxwell-Ampere equation. Very important, Maxwell-Ampere equation ya law jisko aap karoge. So, what is the need of displacement current? Displacement current explains the existence of the magnetic field between the spaces in the space where there is no conducting substance present, alright? Where the magnetic field is only because of the changing electric field. Alright? तो ये चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो रहा है उससे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो और इसके बाद जो है इस मैक्सवेल के जो इक्वेशंस आते हैं हमारे पास, इस मैक्सवेल के चार इक्वेशंस हैं, ये वो इक्वेशंस हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनका नाम मैं लिख रहा हूँ खाली, जो मैक्सवेल फोर इक्वेशंस है, मैक्सवेल इक्वेशंस या फील्ड इक्वेशंस जिनको कहते हैं। पहली है कौन सी वाली, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, Gauss's law of electrostatics, वो क्या था, क्लोज इंटरवल ऑफ E dot ds is equal to q upon epsilon naught, that is Maxwell's first equation. Second one जो है that is Gauss's law of magnetostatics, alright? तो second is Gauss law of magnetism आप बोलो या magnetostatics बोलो, वो क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इज, थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल इज दिस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज दिस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, that electric field, that is E dot dl जो है वो किसके बराबर होता है, that is minus d phi upon dt के बराबर। ये आपने मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ी है कि EMF induced जो है, of course ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, EMF induced जो है वो किसके बराबर है, d phi d upon dt के बराबर। आपको ये बोलेगा यार ये EMF कैसे है, तो ये आप पढ़ो, ये आपने देखा है क्या फैराडेज लॉ में जब हमने यूज किया था कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहते हैं इसको, ई डॉट डी एल जो है ये हमारे पास किसके बराबर, ई एम एफ के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ लिया था ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जो है वो हमें देता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने पोटेंशियल फाइंड करना है वो है ई डॉट ई इंट डी एल, टोटल आएगा इंटीग्रल, क्लोज लूप है तो क्लोज लूप के बारे में ऐसे लिखेंगे, ओके। And the last one is Maxwell-Ampere equation. तो ये Maxwell-Ampere equation जो है ये वाली लिखी हुई है, आप आगे इसको दोबारा लिख सकते हो क्या, कि B dot dl जो है that's equal to this whole term, that is mu naught I plus mu naught epsilon naught d phi upon dt के बराबर, but this is electric flux. These are very important equations. Whole world nowadays, चाहे आप मोबाइल फोन्स की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी बात करोगे,
चाहे दुनिया की किसी भी मशीन की बात करोगे, ऑल इज बिकॉज ऑफ दीज इक्वेशंस. दैट्स व्हाट दे से, दीज इक्वेशंस ब्रॉट लाइट इनटू द वर्ल्ड. ऑलराइट, जितने भी इक्वेशंस आपने देखने हैं, क्योंकि अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे अभी लाइफ में है वो है कम्युनिकेशन एंड एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. ऑलराइट, एंड सेकेंड इज कम्युनिकेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. एनी अदर थिंग जो भी आप देख रहे हो जो वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑन द मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, वो सारे इन इक्वेशन से डिफाइंड है. दीज फोर इक्वेशन इंक्लूड द होल यूनिवर्स इन इटसेल्फ. ऑलराइट, सो हाँ, इन्हीं के बेस हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइनोसाइडली वैरी करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव. ऑलराइट, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है. ये एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने 10th क्लास से पढ़ रहे हो, जब आपने ऑप्टिक्स में पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, तो आप तब से पढ़ रहे हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, ये होते हैं साइनोसाइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज साइनोसाइडल वेरिएशन ऑफ, या ऐसा लिखेंगे हम, ये क्या है, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें दो फैक्टर्स है, एक है इलेक्ट्रिक, दूसरा है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक. एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वाइब्रेट करते हैं, किसमें वाइब्रेट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड टू ईच अदर. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड टू ईच अदर. ऐसे वेव जिनमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, और परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ द दिस, किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं. ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है बेसिकली क्या है, ये होते हैं सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि टाइम वैरिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये टाइम वैरिंग होता है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम वैरिंग होता है. इफ इट इज चेंजिंग इट गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ इट इज चेंजिंग इट गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आप इक्वेशन से क्लियरली देख सकते हैं. ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर हम इनके प्रॉपर्टीज देखेंगे. ओके, सिंपल टर्म्स में हम उनको डिफाइन करेंगे, खाली मेंशन है हमारे सिलेबस में, उनके डिटेल्स हमारे सिलेबस में नहीं है. पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं. क्या होते हैं, ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं. ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऑसिलेशन ऑफ द वेव फील्ड जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. क्योंकि आप अगर आप वेव्स के बारे में पढ़ोगे, वेव्स में आपने दो टाइप के वेव्स पढ़े, एक पढ़े हैं ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरे पढ़े हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं. ट्रांसवर्स में क्या करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव. इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे ऐसे, और वेव जो है वो आगे जाती परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं. ओके, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव होता है ये. सेकेंड थिंग हमारे पास क्या है, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है. नो मटीरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मटीरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड. इनमें किसी भी मटीरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है, दे कैन ट्रेवल इन फ्री स्पेस, दे कैन ट्रेवल थ्रू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम और एनी अदर मीडियम, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उस मीडियम में ट्रेवल करेंगे. बट होना ना होना जरूरी नहीं है, पानी में चल सकते हैं, हवा में चल सकते हैं, फ्री स्पेस में चल सकते हैं, गिलास के थ्रू चल सकते हैं, तो इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, नेक्स्ट इज कि अगर आप इनकी देखोगे फ्री स्पेस में इनकी स्पीड c से नोट करते हैं, दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 3 इन अप्रोक्सीमेट 10^8 मीटर पर सेकंड, प्रिसाइज इज 2.99876 समथिंग लाइक दैट मीटर पर सेकंड. सो आप 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड याद रख लीजिएगा,
ये है कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है ये, इट्स अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, इन वैक्यूम, रिमेंबर दिस थिंग, ये वैक्यूम है, स्पेस के साथ सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रहे हैं, ओके। एंड रिमेंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनमें जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वैरी कर रही है, साइमल्टेनियसली वैरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक करेगा फिर बाकी दूसरा करेगा फिर दूसरा करेगा, ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वेरिएशन जो होती है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस होती है, ऑलराइट। साइमल्टेनियस का मतलब ये क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये जो वेलोसिटी, अगर आप देखोगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, खाली ये करते हैं क्या, एनर्जी ट्रांसपोर्ट्स है, ये करते हैं एनर्जी ट्रांसपोर्ट्स है, और के मटेरियल ये ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ईएम वेव जिनको हम कहते हैं, दे आर नॉट, ये डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक क्योंकि इनके पास कोई चार्ज होती नहीं, सिंपल एनर्जी होती है, एनर्जी को आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकते हो, सो दे कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। अच्छा, तो ये एनर्जी जो होती है इनमें, जो अगर हमने बोला कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ ईएम वेव, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है किस किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में, सम एनर्जी इज कैरीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सम एनर्जी इज कैरीड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सम सम दैट मींस इक्वल हाफ, 50% इधर और 50% ये एनर्जी इसके पास होती है, ओके। अच्छा, और जितने भी इस, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास लाइट वेव, तो जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल ऑप्टिकल इफेक्ट जो है, ऑल ऑप्टिकल इफेक्ट्स ऑफ ईएम वेव स्पेशली लाइट आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स लाइक इंटरफ्रेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ओके, डिस्पर्शन, ये सारे जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स आते हैं इस लाइट के, वो सारे क्या है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनसाइड इट, ऑलराइट। दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो एग्जामिनेशन में अक्सर तीन चार पूछ, क्योंकि टोटल इस चैप्टर के 3 मार्क्स है, तो क्वेश्चन या तो मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन यही आया है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। तो 3 एटलीस्ट आपने लिखने हैं, आप जितनी मर्जी आप लिखना चाहोगे लिख सकते हो, ओके। इसके साथ है नेक्स्ट हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम या ईएम वेव स्पेक्ट्रम आप बोलो इसको। स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ वेव लेंथ, ये होता है बैंड ऑफ वेव लेंथ, ओके, बैंड ऑफ एनर्जीज, ऑलराइट। तो मतलब क्या है इसका, कि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं इनमें खाली एक वेव नहीं होती, हजारों वेव्स होते हैं, मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, रेडियो वेव्स होते हैं, इनमें होते हैं रेडियो वेव्स के साथ इनमें होते हैं माइक्रोवेव्स के साथ होते हैं इनमें आईआर रे, जिनको आप इंफ्रारेड रेज बोलते हो, विजिबल लाइट होती है, ऑलराइट, विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रावायलेट एक्सरेज होते हैं, ओके, इसके अलावा क्या होते हैं, गामा रेज होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेव्स, इतने सारे वेव्स जो है ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें स्पेक्ट्रम होता है बैंड, बैंड मतलब अगर मान लो सपोज एक 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 वैल्यू लिखते हैं, इसका जो वेवलेंथ जो है इसकी रेंज 0.32 6 × 10^2 इस रेंज में होते हैं इसकी वेवलेंथ, ऑलराइट। तो मतलब क्या है कि जितने भी वेवलेंथ 0.3 मीटर, मीटर्स की बात कर रहे हैं, मीटर्स में है ये, 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, 0.5 मीटर, 0.6, 0.7, 0.8 अप टू 600 मीटर्स तक इनकी वेवलेंथ हो सकती है, तो इट्स नॉट अ सिंगल वेवलेंथ,
It is a bunch of, it's a band of different wavelengths. That band of wavelengths is called as spectrum. If you include whole different bunch of these wavelengths, the all of these are electromagnetic waves, we call this as electromagnetic spectrum. Alright? ये एमिट कैसे होता है, क्या होता है, वो हम न्यूक्लियर वाले पार्ट में देखेंगे. फिलहाल आपने याद रखने इन वेव्स के बारे में कि इनकी वेवलेंथ क्या होती है. याद आप तो थोड़ा डिफिकल्ट है इनके डेटा याद रखना, थोड़ा थोड़ा यूज याद रखने हैं इनके. ये रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन के पर्पज के लिए यूज होते हैं. ओके, छोटा छोटा है. माइक्रोवेव्स किस लिए होता है, अगर आप माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है ये यूज होता है फॉर द स्टडी ऑफ द अर्ली स्टेट्स ऑफ द यूनिवर्स के लिए. सेकेंड थिंग, जो हमारे पास ओवन्स होते हैं, ओवन्स में भी यूज होते हैं क्या ये माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव जो होते हैं इनकी वेवलेंथ जो है, अगर आप इनकी वेवलेंथ देखोगे माइक्रोवेव्स की, इट इज 10^-3 to 0.3 meters तक. ओके, 10^-3, दैट इज 0.001 meter to 0.3 meters. ज्यादा वेवलेंथ होती है, इनके पास एनर्जी ठीक ठाक होती है. तो ये माइक्रोवेव जो है यूज होते हैं ओवन में. माइक्रोवेव बैकग्राउंड स्टडी करने के लिए जो यूज होता है, अर्ली स्टेज ऑफ यूनिवर्स स्टडी करने के लिए. ओके, एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है कि नहीं. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं. और ये ओवन्स में जो है, आपके घर में होता है ओवन में, उसमें यूज होते हैं. कैसे, ये मान लो ओवन है, ओवन में अगर आप एक परफेक्टली ड्राई चीज रखोगे ना, वो गर्म नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा. ओके, ड्राई बिस्किट, कोई मैरिलाइट बिस्किट, बहुत ड्राई होता है, अगर आप उसको रखोगे इसके अंदर कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है कि नहीं. फॉर दिस माइक्रोवेव ओवन टू हीट अप द वुड कंटेंट, इट मस्ट हैव सम वाटर वेपर्स इनसाइड. देन व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट द माइक्रोवेव ओवन, दिस माइक्रोवेव्स ट्रैवल थ्रू इट लॉन्ग वेवलेंथ्स, दे कैन पास ओवर सम स्मॉल पार्टिकल्स, दे गिव देयर एनर्जी दिस टू दिस, जो हमारे पास मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, दे जनरेट एनर्जी एज पर दिस इक्वेशन जो आपने पढ़ा है. टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है वेलोसिटी, काइनेटिक थ्योरी में आपने पढ़ा है. तो इससे एनर्जी जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है हीट अप हो जाता है. इसी तरह इंफ्रारेड रेज जो हमें वार्मथ देती है, ठीक है कि नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं हमें, ठीक है कि नहीं, तो वहां पे यूज होते हैं. इसी तरह हमारे पास विजिबल लाइट, तो आपको पता है इसके क्या कहने ही है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हम पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है वो देख पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं. तो इस तरह इनके सारे यूजेस क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरेज के जैसे यूजेस क्या है. एक्सरेज किस काम आते हैं, एक्सरेज आते हैं मेडिकल साइंस में काम आते हैं ये, ठीक है कि नहीं. डिफेक्ट्स वगैरह फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, डिफेक्ट्स वगैरह डिटेक्ट करने में, डिफरेंट पार्टिकल्स में, डिफरेंट अगर किसी का ऑर्गन फैलर हुआ है, कोई ब्रेक बोन ब्रेक नहीं हो गई है, तो उसमें हमें चेक करते हैं यूजिंग एक्सरेज. तो इनके बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं, तो एक एक दो दो करके इनके यूजेस याद रखने हैं आपने. सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन और इनकी प्रॉपर्टीज. ऑलराइट, दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो नेक्स्ट टाइम हम कोई नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.